बहुत लोग पूछते हैं देव उठनी एकादशी के दिन क्या करें और क्या नहीं, जान लें व्रत के नियम। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ देव उठनी एकादशी के दिन आप क्या करेंगे और क्या नहीं। इसके पहले वाले वीडियो मैंने आप सभी को बताया कि देव उठनी का शुभ मुहूर्त कब है, पूजा कब करें, पारण की तिथि, पारण का समय, सब कुछ बताया। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि देव उठनी एकादशी के दिन आप क्या करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। इस दिन तुलसी विवाह भी कराया जाता है। जाने देव उठनी एकादशी के दिन क्या करें क्या नहीं। हिंदू धर्म में देव उठनी एकादशी का विशेष महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी कहा जाता है और इसे जो है प्रबोधनी या देवोत्थान एकादशी के नाम से भी जानते हैं। और देवउठनी एकादशी के दिन ही चतुर्मास समाप्त हो रहे हैं और शुभ मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार देवउठनी एकादशी के दिन ही सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु 4 महीने के बाद योग निद्रा से जागते हैं और पुनः सृष्टि का जो कार्यभार है वो संभालते हैं। इस दिन भगवान शालिग्राम और माता तुलसी का विवाह भी कराया जाता है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है। ऐसे में इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। शास्त्रों के अनुसार देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए। आप एक दिन पहले ही तुलसी के पत्तों को तोड़कर रख ले क्योंकि ये फिर 5-6 दिनों तक बासी नहीं होती। जाने इस दिन क्या करे क्या नहीं। देव उठनी एकादशी के व्रत नियम। पहला आता है तुलसी के पत्ते ना तोड़े। जैसा कि मैंने पहले बताया देव उठनी एकादशी के दिन प्रभु शालिग्राम और माता तुलसी का विवाह कराया जाता है। ऐसे में इस दिन तुलसी के पत्तों को कभी ना तोड़े। दूसरा आता है तामसिक चीजों का सेवन ना करें। एकादशी के दिन सात्विक भोजन करना चाहिए। अगर आप व्रत नहीं रख रहे हैं तो इस दिन साधारण भोजन करना चाहिए और इस दिन मांस मदिरा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। तीसरा नंबर आता है चावल का सेवन ना करें। एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि चावल का सेवन करने से व्यक्ति अगले जन्म में रेंगने वाले जीव की योनि पाता है। बहुत लोगों को आपने सुना होगा कि एकादशी के दिन चावल नहीं बनाना चाहिए। आप उस दिन पूरी हलवा बना सकते हो। वाद विवाद से बचे। अगला जो नंबर है वाद विवाद से बचे। एकादशी की तिथि जो होती है दिन वाद विवाद से बचना चाहिए। इस दिन लड़ाई झगड़ा करने से माँ लक्ष्मी नाराज रहती है क्योंकि भगवान जो है शालिग्राम जो है उठते हैं योग निद्रा से और उनकी पूजा होती है। इस दिन जो है वाद विवाद नहीं करना चाहिए। पांचवा नंबर आता है किसी का अपमान ना करें। एकादशी के जो दिन होती है किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी रुष्ट होती है। हमें अपने संस्कारों को हमेशा याद रखना चाहिए और अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए, छोटों को प्यार देना चाहिए, कभी भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। दोस्तों अब बात करेंगे देव उठनी एकादशी के दिन क्या करें। एकादशी के दिन दान करना उत्तम माना जाता है। एकादशी के दिन संभव हो तो गंगा स्नान करना चाहिए। विवाह संबंधित बाधाओं को दूर करने के लिए एकादशी के दिन केसर, केला या हल्दी का दान करना चाहिए। मौसमी फल जो होता है पानी फल, केला, ये सब दान करना चाहिए। एकादशी का उपवास करने से धन, मान सम्मान, संतान सुख के साथ मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, इसलिए उस दिन उपवास करें तो ज़्यादा बेहतर है। अगला नंबर आता है कहा जाता है कि एकादशी का व्रत रखने से पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो इस दिन व्रत जरूर रखना चाहिए। अगर आप व्रत ना रखें तो कम से कम नमक वाली चीज़ें ना खाएं। तो ये हो गई क्या करें क्या ना करें। तो उम्मीद करूंगी दोस्तों ये वीडियो भी आपको पसंद आया, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें क्योंकि लाइक करने से हम लोग भी मोटिवेट होते हैं और अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप लोग के लिए लेकर आते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल वाले आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाती रहूँ। आज के लिए इतना ही, आगे फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।